रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो सब उस निष्काम आराधना के प्रभाव से, भगवान नाम के प्रभाव से ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। उस यज्ञ में जिन लोगों का द्रव्य लगता है वो वास्तव में बड़े धन्य हैं। हम समझते हैं मान बिहारी हमारे, उन्हीं का स्वीकार करते हैं जिनके मन में नाम की कामना नहीं होती है। नाम की कामना आराधना को राजस बना देती है। इसके अलावा विश्व का एक ऐसा रिकॉर्ड जो आपको देखने में कहीं नहीं मिलेगा, केवल 7 वर्ष हुए हैं और महाराज जी की पूज्य माता जी, जिनके इकलौते बेटे थे महाराज जी, उनका शरीर पूरा हुआ, ममता के कारण से वो भी ब्रज में ही रहीं, 40 वर्ष तक ब्रज में रहीं। 2007 में उनका शरीर पूरा हुआ, उसके बाद में उनकी याददाश्ती में एक गौशाला खोली गई, उस समय 5-7 गायें थीं, माताजी गौशाला के नाम से है, और आज उस गौशाला में 35,000 देशी नस्ल की गायें हैं। गाय भी हैं, सांड भी हैं, बछड़े भी हैं, गोवंशिक हैं, और वो गायें हैं जिनको स्लॉटर होने से बचाया गया है, उनकी रक्षा की गई है, और वो ऐसी गायें रोज बढ़ती जा रही हैं। वो भाग्यशाली हैं जो वास्तव में, क्योंकि गौ माता तो स्वयं ही सक्षम है, उनके शरीर में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। हम तो गौ माता की सेवा कर ही क्या सकते हैं, वो तो गौ माता की कृपा है जो इस तरह से सेवा ले रही हैं। वो भाग्यशाली हैं जो ऐसी गौ माता की सेवा के लिए अपने धन को लगाते हैं, वो धन्य हो जाते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हमारे यहां से महाराज जी के सिद्धांतों के अनुसार कहीं किसी से कोई याचना नहीं की जाती। ये बच्चे भी यहां पर आए हुए हैं, पैसा लेने के लिए नहीं आए हैं, ये देने के लिए आए हैं। क्या देने के लिए? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, जो संतों की कृपा से इनके रोम रोम में जो समाई हुई है। हम चाहते हैं आप इनसे उसका लाभ लें और उसको ग्रहण करें, इसी में सबका वास्तव में कल्याण है। अब आप राधकेश जी से कुछ श्रवण करें। राधे श्याम, हम कब के सोच रहे, समय काफी कम है, आप रसिया सुनना चाहेंगे कि और कोई भजन, या आप क्या सुनना चाहेंगे? अच्छा, और आरती करना है अभी, तो ठीक है, कीर्तन या रसिया बोल लो। चलो रसिया श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। ये एक ब्रज का रसिया है और बड़ी निष्काम भक्ति की आपने अभी चर्चा सुनी, महिमा सुनी। भगवान ने कहा कि जो निष्किंचन भक्त हैं उनके पीछे मैं दौड़ता फिरता हूं। क्यों? अनुव्रजाम्यहम नित्यं पूये येत्यंग्री रेणु भी। जिससे उन निष्काम भक्तों की, निरपेक्ष भक्तों की, जो कुछ नहीं चाहते हैं, उन भक्तों की चरण रज मेरे ऊपर पड़े और मैं धन्य हो जाऊं। और भक्तों की श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान ब्रजवासियों का है, जिन्होंने नाच गाए रास ही मिले करी वृंदावन वास।
गा करके नाच करके जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, जो सबसे सरल रास्ता है, तो वही एक ब्रज की लीला, एक रसिया में जो बहुत प्रसिद्ध रसिया है ब्रज का। और सत्स्त्रियः सत्पथिम यथा, जैसे एक सती स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, वैसे ही भक्त भी अपने भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। तो वही एक लीला है इस रसिया में। हमारे यहाँ ब्रज में बड़ी घूंघट की प्रथा है, कोई नई बहू आती है तो उसको बड़ा घूंघट में रहना पड़ता है घर के भीतर। तो एक नई बहू आई ब्रज में, उसकी सास ने बड़ा समझाया, देख यहाँ ब्रज में एक श्याम रंग का एक कृष्ण है, उसकी नजर यदि किसी पर पड़ जाए तो फिर वह उसी का हो जाता है, ऐसा बड़ा विलक्षण जादू है उस श्याम का, कृष्ण का, तो कभी तो घर से बाहर मत निकलना। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण घूमते फिरते उस गली में आए जिस गली में उसका घर था, और मन के भाव को जानते हैं, उस गोपी की भी बड़ी इच्छा थी कि देखूं तो सही उस कृष्ण का कैसा रूप है जिसके जादू से सारा ब्रज एकदम छाया हुआ है। तो उस कृष्ण के रूप का जादू देखने के लिए वह अपने छत पर गई कि इस गली से होकर के कृष्ण अवश्य आएंगे, लेकिन घूंघट में थी तो कृष्ण से कैसे मिले, छत से नीचे नजर कैसे मिले। कृष्ण एक गेंद खेल करके आ रहे थे, उस गेंद को ऊपर फेंका, ऊपर जैसे ही देखा तो गोपी की नजर से नजर मिल गई, और उसी दिन से वह गोपी कृष्ण की हो गई। तो वह भाव जो गोपी का है वह इस रसिया में है, बड़ा सुंदर रसिया है, आप इसका श्रवण करें। मेरे मन बस्यो कन्हैया कारो, मोर मुकुट वंशी वारो। मेरे मन में बोलिए, आप सभी लोग बोलिए, प्यारो मोर मुकुट वंशी वारो। हो वंशी वारो वंशी वारो वंशी वारो वंशी वारो। हो वंशी वारो वंशी वारो वंशी वारो वंशी वारो। हो मेरे मन में बस्यो कन्हैया कारो, मोर मुकुट वंशी वारो। मेरे मन में बस्यो कन्हैया प्यारो, मोर मुकुट वंशी वारो। हो वंशी वारो वंशी वारो वंशी वारो वंशी वारो। हो वंशी वारो मेरो प्यारो वंशी वारो। मेरे मन में बस्यो कन्हैया प्यारो, मोर मुकुट वंशी वारो। कन्हैया प्यारो मोर मुकुट वंशी वारो। हो मैं तो भूली दुनिया सारी, मैं तो भूली दुनिया सारी, मैं तो भूली दुनिया सारी, लगे घर बार सब ही खारो। मोर मुकुट वंशी वारो, मोहे लगे घर बार सब ही खारो, मोर मुकुट वंशी वारो। हो मैंने ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने ओढ़ी श्याम चुनरिया, सबकी लग गई नजर।
रंग चढ़ो वाखों कारो, मोर मुकुट वंशी वारो, मुँह पे रंग चढ़ो है वाखों कारो, मोर मुकुट वंशी वारो, ओ वंशी वारो वंशी वारो वंशी वारो वंशी वारो, ओ वंशी वारो मेरो प्यारो, मारो मेरो प्यारो, मेरे मन में मेरे मन में बस्यो कन्हैया तारो, मोर मुकुट वंशी वारो, मेरे मन में बस्यो है कन्हैया प्यारो, मोर मुकुट वंशी वारो। हो मैंने कुल की कान मिटाई, मैंने कुल की कान मिटाई, सब छोड़ी मान बढ़ाई, सब मैंने धार में डारो, मोर मुकुट वंशी वारो, सब मैंने धार में डारो, मोर मुकुट वंशी वारो, वंशी वारो, बस जान हाथ से खोना है, बस जान हाथ, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, यह सुंदर शाम सलोना है, श्यामा सखी प्राण धन जीवन, ये ब्रज का एक खिलौना है, 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 मेरे मन में बस्यो कन्हैया प्यारो, मोर मुकुट वंशी वारो, जय जय श्री राम।